नमस्कार आदाब, मैं हसन खान भारत मीडिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला प्रति कार्यालय पर। ये बलथरा रोड में 3 दुकानें सस्पेंड हुई हैं और किस वजह हुई हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए आज मैं जिला प्रति अधिकारी रामजतन यादव से मिलने आया हूँ और उनकी सच्चाई जानने के लिए मैं इनसे जानकारी ले रहा हूँ। सर आप अपना परिचय दे दिए। देखिए, मैं जिला प्रति अधिकारी, आप जिस प्रकरण में बात करना चाह रहे हैं कि बलथरा रोड में हमारी नगर पंचायत है और उस नगर पंचायत में 2020 में एक शिकायत हुई थी, तो उस समय उस शिकायत को की जांच लखनऊ की फूड सेल हमारी होती है खाद्य प्रकोष्ठ, उनके द्वारा की गई थी, उनकी पूरी टीम द्वारा की गई थी। तो उस टीम में पूरी विस्तृत जांच की इन चार विक्रेताओं पर आरोप था कि ऐसे कार्डधारक कुछ हैं जो लिस्ट में नाम भी है लेकिन उसको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। तो ऐसे विक्रेताओं की जांच विस्तृत करने पे ये पाया कि लगभग 600 कार्डधारक ऐसे थे जिनकी सूची में तो नाम था लेकिन उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। तो उसके आधार पे रिपोर्ट उन्होंने फूड कमिश्नर साहब को दिया लखनऊ में। खाद्यायुक्त महोदय की तरफ से 4 अगस्त को हमें पत्र मिला और उसमें दोषी 4 विक्रेता पाए गए। उस 4 विक्रेताओं में कौन कौन है? उसमें 4 विक्रेताओं में एक विक्रेता हमारा जो राजनाथ था वो 2021 में निधन हो गया उनका। शेष 3 विक्रेता ब्रिज किशोर, गोरख प्रसाद और श्रीमती अनीता, ये 3 लोग थी। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए और उसमें आईपीसी की धारा भी लगाई गई कि आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471, साथ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको निलंबित करके और प्रक्रिया अनुसार इनके दुकान का निरस्तीकरण किया जाए। तो उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमति के बाद परसों मुकदमा दर्ज करा दिया गया है क्षेत्रीय अधिकारी संजय कुमार द्वारा थाना उभाव में, और दुकान का निलंबन भी, 3 दुकानों को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है। साथ में जो तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक श्यामनाथ थे वो उनके खिलाफ और वहाँ के जो नगर पंचायत के ईओ थे उनकी भी जिम्मेदारी दी गई थी पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में कि इनकी दुकान की जांच, दुकान का वितरण करते हुए कराते हुए हर महीने कराते थे वो, तो उनके द्वारा परीक्षणीय दायित्व अपना निर्वहन नहीं किया गया था। तो इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए खाद्यायुक्त महोदय ने संबंधित को लिखा है और कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी इस प्रक्रिया में इनसे विक्रेताओं को निलंबित करते हुए 3 को और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कार्डधारक है अभी इनको कहाँ जो है राशन फ्री इनके उपलब्ध होंगे? सर, हाँ, इसमें देखिए एक थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पे कुल 5 दुकानें थीं, एक विक्रेता पहले से मृतक हो चुका था, उसके बाद जो शेष 3 दुकानें हमारी अभी निलंबित हुई हैं इनमें से एक विक्रेता का संबद्धीकरण हम लोगों ने नगर में जो एक विक्रेता है उस पर कर दिया है। शेष 2 विक्रेता हैं तो उस बगल के ही नगर पंचायत से सटा हुआ जो ग्राम पंचायत है वहाँ से करने के लिए हम लोगों ने अनुमोदन मांग लिया है और शीघ्र ही उसको कर देंगे। किसी भी कार्डधारक को कोई समस्या नहीं, परेशानी नहीं होगी और हम लोग उनको राशन कार्ड, राशन हर महीने उनको देने की पूरी व्यवस्था बना दे रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हसन खान भारत मीडिया से, इसी तरह से आप बने रहें हमारे भारत मीडिया से। धन्यवाद। जय हिंद, जय।